आज हम एक ऐसी बिल्डिंग की बात करने जा रहे हैं जो कि बुर्ज खलीफा से भी ज़्यादा महंगी है, लेकिन फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। ये बिल्डिंग वैसे तो दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग है, लेकिन शायद आपको ये बात ना पता हो कि इस बिल्डिंग का जो ऑब्जर्वेशन डेक है वो इस दुनिया का सबसे ऊँचा ऑब्जर्वेशन डेक है। मतलब कि बुर्ज खलीफा का ऑब्जर्वेशन डेक भी इस बिल्डिंग के मुकाबले कम ही है। इस बिल्डिंग में जो एलिवेटर्स लगे हुए हैं, यानी कि जो लिफ्ट्स इस बिल्डिंग में यूज़ हुई हैं, वो भी इस दुनिया की सबसे तेज लिफ्ट्स हैं, जो कि 74 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलती हैं। इतने में आप जमीन से आसमान की ऊंचाइयों में बस कुछ ही सेकंड्स में पहुंच सकते हो। इस बिल्डिंग के आप इस शानदार स्ट्रक्चर को देखिए, जिसे इस दुनिया के बहुत ही महंगे डिजाइनर्स ने बनाया है, लेकिन इसके बावजूद भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है, जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और आज की इस वीडियो का लाइक टारगेट है 10,000 लाइक्स। अगर आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चाइना की सबसे ऊंची बिल्डिंग, जिसे 2.4 बिलियन डॉलर्स में बनाया गया था, यानी करीब करीब 17,500 करोड़ रुपए। इतने पैसों से अगर आप चाहें तो लगभग 2 बुर्ज खलीफा तो बना ही सकते हैं। ये बात आपको बिल्कुल हैरान कर देगी कि इसके बाहर जो आप ग्लास पैनल्स देख रहे हो, इसमें 20,000 ग्लास पैनल्स यूज हुए हैं, और वो सभी के सभी ग्लास पैनल्स अलग अलग शेप्स और साइजेस के हैं। 632 मीटर की इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स हैं, और आपको शायद ये बात हैरान कर दे कि जहां बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स में 10 या 20 एलिवेटर्स होते हैं, वहां इस बिल्डिंग में 114 एलिवेटर्स हैं, और वो भी दुनिया के सबसे तेज एलिवेटर्स। आप ये बात का यकीन नहीं करोगे कि ये बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि इसमें एक साथ 16,000 लोग ठहर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर इसमें इतने सारे फीचर्स हैं तो फिर भी इस बिल्डिंग को फेल स्ट्रक्चर क्यों माना जाता है। तो मैं आपको बता दूं कि इस बिल्डिंग में 128 फ्लोर्स में से 50% फ्लोर्स तो खाली ही पड़े हैं। मतलब कि जहां इसमें 16,000 लोगों को ऑक्युपाई करने की जगह है, वहीं इसमें सिर्फ 7 या 8,000 लोग ही रह रहे हैं। और इस वजह से रात में तो इस बिल्डिंग की पूरी लाइट्स भी नहीं जल पाती। बिल्डिंग्स को जिन्होंने बनाया था, उनका ये मानना था कि जो पैसा उन्होंने कंस्ट्रक्शन में लगाया है, यानी 17,500 करोड़ रुपए, उन पैसों को वो 12 सालों में कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। और इस वजह से चाइना का ये शंघाई टावर अभी 12,000 करोड़ रुपयों के नुकसान में चल रहा है। और साथ ही में जो चाइना का फायर और सेफ्टी डिपार्टमेंट है, उनकी तरफ से भी ये टावर को पूरी तरह सेफ नहीं माना जाता, क्योंकि उनका ये कहना है कि अगर मान लो कि इस बिल्डिंग में 100वीं मंजिल पर आग लगी तो फायर सेफ्टी वाले इस टावर पर इतना जल्दी उतना ऊपर नहीं पहुँच पाएंगे। और इसलिए सेफ्टी भी एक और कारण है इस टावर को फेल स्ट्रक्चर कहने का। इसके अलावा इस टावर का डिज़ाइन देखने में तो काफ़ी अट्रैक्टिव है, लेकिन इसके डिजाइन की वजह से भी इसे एक फेल स्ट्रक्चर कहा जाता है, क्योंकि इस बिल्डिंग को बहुत सारी लेयर से कवर किया गया है, जैसे कि ग्लासेस। वैसे तो ये ग्लास पैनल्स वगैरह हीट और एनर्जी कंजप्शन को कम करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इन सभी लेयर्स ने बहुत सारी जगह कंज्यूम करी है, जिससे ये बाहर से जितना बड़ा दिखता है अंदर से उतना बड़ा नहीं होता। यानी कि आप सिंपल लैंग्वेज में ये भी कह सकते हैं कि जहां इस बिल्डिंग में 16,000 लोग रह सकते हैं, वहीं अगर ये लेयर्स ना होती तो इस बिल्डिंग में हो सकता था कि एक टाइम पर 25,000 लोग भी रह पाते। इसलिए इस बिल्डिंग का डिजाइन भी एक मेन रीजन है कि इसको फेल स्ट्रक्चर माना जाता है। इसके अलावा इस टावर में एक लग्जरी होटल भी खुलने वाला था, लेकिन अभी तक वो होटल भी नहीं खुल पाया। और साथ ही में जिन्होंने इस टावर में अपने ऑफिस वगैरह किराए पर लिए थे, उनमें से सिर्फ 30% लोग ही इस टावर में आए, और बाकियों ने इस टावर में ऑफिस लेने से मना कर दिया, और वो ऑफिस अभी तक खाली ही पड़े हुए हैं, जिस वजह से अभी तक इस टावर पर लगने वाला पैसा भी पूरा नहीं हुआ। दोस्तों, हालांकि चाइना की ये बिल्डिंग इकोनॉमिकली ही फेल हुई है, लेकिन दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग होने के नाते हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में इस बिल्डिंग की ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लगता है, दुबई का बुर्ज खलीफा या फिर चाइना का शंघाई टावर, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और वीडियो अगर पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।